प्रयागराज में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। प्रयागराज में बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी, एसपी के राजेंद्र सिंह पटेल और कांग्रेस के योगेश शुक्ला के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि ये सीट अपने आप में काफी दिलचस्प हो गई है। इस खास रिपोर्ट को देखिए। प्रयागराज में लोकसभा का रोचक मुकाबला, कुंभ से मिलेगा फायदा या जीतेगा गठबंधन। कांग्रेस ने मुकाबले को बनाया त्रिकोणीय। संगम नगरी में किसको मिलेगा आशीर्वाद? छठे चरण में संगम नगरी का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी, कांग्रेस और एसपी बीएसपी गठबंधन के बीच जंग ने प्रयागराज के मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। बात अगर प्रयागराज के इतिहास की करें तो इस संसदीय सीट के नाम देश को तीन तीन प्रधानमंत्री देने का स्वर्णिम इतिहास दर्ज है। प्रयागराज लोकसभा सीट पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, वीपी सिंह, जनेश्वर मिश्र, मुरली मनोहर जोशी जैसे राजनीतिक दिग्गजों के साथ ही साथ अमिताभ बच्चन की कर्म भूमि रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से रीता बहुगुणा जोशी, कांग्रेस के योगेश शुक्ला, महागठबंधन के राजेंद्र प्रताप सिंह पटेल और आम आदमी पार्टी से किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर भवानी नाथ वाल्मीकि मैदान में हैं। वहां ये सीट जातीय समीकरण से भी अहम मानी जा रही है। एसपी और बीएसपी गठबंधन के लिए एसपी से आए राजेंद्र पटेल यहां अपने जातीय समीकरण के चलते उम्मीद लगाए बैठे हैं। उधर स्थानीय मतदाताओं में मुद्दों को लेकर आम राय नहीं है। मतदाताओं से जब पूछा गया कि इस बार आप किसे और क्यों वोट देंगे तो उनका साफ कहना था कि वो सिर्फ राष्ट्र के नाम अपना वोट देंगे। इलेक्शन में तो राष्ट्रहित में मतदान होगा। विकास का मुद्दा बहुत तेज है। मोदी जी ने जितना विकास किया है शायद कोई गिना नहीं सकता और कोई बता नहीं सकता। देखिए, चुनाव जो आज दिख रहा है वो चुनाव में कोई भी राजनीतिक पार्टी अपनी कोई नीतियाँ स्पष्ट नहीं कर रही, ना नीतियों पर कोई चर्चा हो रही है। बगैर नीतियों का एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, अनर्गल बातें, तरह तरह की जो बातें आम जनमानस को शोभा नहीं देती, लोग आनंद लेने के लिए चाहे जो कर ले। मतदाता कंफ्यूज है। मतदाता कंफ्यूज के साथ साथ मतदाता सब जान रहा है कि हमें क्या करना है। तो इस बार साफ है कि संगम नगरी कुंभ के बाद अब लोकसभा चुनाव का मुकाबला भी काफी दिलचस्प रहने वाला है। प्रयागराज से जनतंत्र टीवी के लिए दिनेश सिंह की रिपोर्ट।